सन की तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधा चैलेंज दे दिया है, अगर छेड़ा तो वो एटम बम फोड़ देगा। किम का ये दावा हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे उसकी सीक्रेट तैयारी है, जिसके जरिए वो सेना को न्यूक्लियर अटैक की तैयारी करवा रहा है। सेना को सीधा ऑर्डर है, अगर किम जोंग पर हमले का जरा भी अंदेशा हो तो दुश्मन देश पर परमाणु बम से अटैक कर दिया जाए। यानी सन की न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी कर चुका है। ऐसे में अमेरिका में खलबली मच गई है, आखिर कैसे किम के विनाशक मंसूबे को रोका जाए। 77 साल पहले जैसी तबाही जापान में हुई, उससे ज्यादा भयंकर तबाही का मंसूबा अमेरिका के लिए पाले बैठा सन की तानाशाह किम जोंग उन, और इसके लिए किम जोंग उन ने तैयारी भी कर ली है। न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाली ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बना ली है, और सीक्रेट लैब में दुनिया का सबसे बड़ा एटम बम भी बना रहा है। इस सनक से अमेरिका में खलबली मची हुई है। CIO को इस बात की जानकारी है कि किम जोंग उन प्रतिबंध के बावजूद नॉर्थ कोरिया में एटम बम बना रहा है। तैयारी पूरी है, बस टेस्ट की तैयारी, जिसके बाद किम जोंग उन अमेरिका और साउथ कोरिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। तबाही का बटन दबाने से पहले किम जोंग ने अपने देश में दो कानून बनाए जो सीधे तौर पर उसके विनाशकारी मंसूबों को बताते हैं। एटमी स्ट्राइक के लिए पहला कानून, सेना को परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए खुली छूट। एटमी स्ट्राइक के लिए दूसरा कानून, बिना चेतावनी एटम बम के इस्तेमाल को मंजूरी। जब से नॉर्थ कोरिया ने एटम बम के इस्तेमाल पर कानून बनाया है, तभी से साउथ कोरिया और अमेरिका दहशत में आ गए, क्योंकि कानून के जरिए किम ने सीधा ऐलान कर दिया है, अगर कोई उसे छेड़ेगा तो वो छोड़ेगा, हर हालत में एटम बम का बटन दबा देगा। नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए बनाए गए कानून से किम की धमकी के मायने समझिए। नॉर्थ कोरिया कभी भी परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा, परमाणु निरस्त्रीकरण पर कोई बातचीत नहीं होगी, किसी भी देश के साथ कारोबार के लिए अपने परमाणु हथियारों का सौदा नहीं करेगा। किम जोंग उन ने दुनिया को बता दिया है कि वो लगातार एटम बम बनाता रहेगा, इसके अलावा अपने ऊपर हमले का अंदेशा होने पर सीधा एटमी अटैक कर देगा। कानून के जरिए किम ने सेना को एटम बम के इस्तेमाल की खुली छूट तो दे दी है, साथ ही अपनी जान का खतरा होने की सूरत में भी बिना चेतावनी दुश्मन पर न्यूक्लियर मिसाइल अटैक का ऐलान किया है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर किम को जरा सा भी शक हुआ तो वो सीधा एटमी हमला कर देगा। नॉर्थ कोरिया के लिए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किम जोंग उनकी हत्या होती है तो उत्तर कोरिया बिना चेतावनी के परमाणु मिसाइल लॉन्च कर देगा। किम के ऐलान से सबसे ज्यादा परेशान साउथ कोरिया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने अपील कर डाली है, अगर उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को छोड़ता है तो उनका देश एक बड़ा आर्थिक पैकेज देने के लिए तैयार है। यानी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की एटमी पॉलिसी को लेकर घबरा रहा है, जबकि साउथ कोरिया के PM यू सुक योल ने सत्ता संभालने के बाद नॉर्थ कोरिया को धमकी दी थी और साथ ही खुद के एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। लेकिन अब जब किम जोंग उन ने परमाणु बम को लेकर बड़ा ऐलान किया है तो साउथ कोरिया की बेचैनी बढ़ गई। हालांकि किम ने यह साफ कर दिया है, प्योंगयांग केवल तभी हथियारों का इस्तेमाल करेगा जब कोई दुश्मन पहले उत्तर कोरिया पर हमला करे। किम का इशारा सीधे तौर पर उन दुश्मन राष्ट्रों की तरफ है जिनसे उसकी तनातनी है, जिसमें दुश्मन नंबर 1 अमेरिका, दुश्मन नंबर 2 साउथ कोरिया और दुश्मन नंबर 3 जापान। यानी अब किम जोंग इन तीनों देशों पर बिना सोचे समझे कभी भी एटम बम फोड़ सकता है, जिससे दुनिया में तबाही का दरवाजा खुलना तय माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक नॉर्थ कोरिया ने कुल 6 टेस्ट किए हैं, जिसमें साल 2006 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट 48 किलोटन का एटम बम था, साल 2009 में दूसरे टेस्ट में 2.4 किलोटन का परमाणु बम था, साल 2013 में तीसरे टेस्ट में 8.4 किलोटन का बम था, साल 2016 में चौथे टेस्ट में 15.5 किलोटन का बम था, साल 2016 में ही पांचवें टेस्ट में 23.7 किलोटन का एटम बम था,
साल 2017 में छठे टेस्ट में 50 किलोटन का एटम बम इस्तेमाल हुआ था। 77 साल पहले अमेरिका ने हिरोशिमा में जो बम गिराया था वो 15 किलोटन का था। वहीं नागासाकी में गिरने वाले बम का वजन 25 किलोटन था, जबकि नॉर्थ कोरिया 50 किलोटन का एटम बम बना चुका है। यानी हिरोशिमा नागासाकी से करीब 2 से 3 गुना ज्यादा तबाही वाला बम उसके पास है। शायद इसी को सोचकर अमेरिका की सांसें अटकी हुई है, क्योंकि किम की सनक और 50 किलो का एटम बम मिलकर अमेरिका में बर्बादी का चैप्टर खोल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।